हेलो दोस्तों, ज्योति इंडियन रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि उपमा घर पर कैसे बनाते हैं। बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है। उपमा बनाने के लिए हमने एक कटोरी सूजी लिए हैं और एक बड़े प्याज काट लिए हैं, एक गाजर ले लिए हैं, थोड़ा सा शिमला मिर्च को भी बारीक काट लिए हैं, अब एक टमाटर को भी बारीक काट लिए हैं, 2 से 3 हरा मिर्च लिए हैं। उपमा बनाने के लिए हमने कढ़ाई को गर्म कर लिए और उसमें 1 से 2 चम्मच हम सरसों का तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद पीला सरसों डाल देंगे और उसको चटकने देंगे। अब कटा हुआ हरा मिर्च डाल देंगे। उसके बाद सारा सब्जी हम डाल देंगे। अब हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और 1 से 2 मिनट हम भूंज लेंगे। ज़्यादा सब्जी को नहीं पकाना है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा पकाने से सब्जी का टेस्ट चल जाता है। सब्जी को 2 मिनट भून लिए हैं। अब हम पानी डाल देंगे। जिस कटोरी से हम सूजी लिए हैं उसी से 2 कटोरी हम पानी डाल देंगे। अब हम सूजी को डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम करके 2 मिनट पकने देंगे ढककर। अब हमारा 2 मिनट हो चुका है, अब हम चेक कर लेंगे। देखिए सारा पानी सूख चुका है, अभी थोड़ा सा सूजी कच्चा है, इसलिए हम थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। वही कटोरी से हम आधा कटोरी पानी लिए हैं और डाल देंगे और ढककर फिर से थोड़ी देर हम पकने देंगे 1 मिनट के लिए। अब हमारा 1 मिनट हो चुका है, अब हम चेक कर लेंगे। देखिए हमारा उपमा बनकर तैयार हो चुका है। 5 मिनट में उपमा बनकर तैयार हो चुका और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहा है उपमा से। हमारा उपमा बनाने का यह तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।